जिला शिमला ग्रामीण युवा कांग्रेस की बैठक में देश और प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर खूब चर्चा हुई, जबकि विश्वविद्यालय में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की मांग भी बैठक में प्रदेश सरकार से की गई है। जिला शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी जांच प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में NSUI के प्रदेशाध्यक्ष का आना बंद कर दिया गया है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। इसके साथ ही 23 अगस्त को राजीव गांधी युवा सम्मेलन का आयोजन मंडी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में प्रदेश में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, जिसके लिए कांग्रेस सभी संगठन मजबूती के साथ काम करेंगे और यह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी, ब्लॉक कांग्रेस रामपुर के अध्यक्ष साहिब सिंह मेहता, राहुल सोनी, अंकुर शर्मा, डीडी कश्यप, मोहन भाटिया, जसवीर ठाकुर, सूरज जोंगा, ध्रुव शर्मा, पवन चौहान आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह, जिला अध्यक्ष शिमला ग्रामीण युवा कांग्रेस। आज हमारी जिला शिमला की ये बैठक थी रामपुर शहर में। इसमें हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती चंद्रप्रभा नेगी जी और मंडल अध्यक्ष श्री साहिब सिंह मेहता जी विशेष तौर से उपस्थित थे। हमारे युवा कांग्रेस के प्रभारी श्री गोविंद शर्मा जी और राहुल चौहान जी भी उपस्थित थे। आज हमारा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि आप सबको मालूम है, जिस तरह से हिन्दुस्तान में, इस प्रदेश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर हमने अपने नौजवान साथियों को जागरूक करना है। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले चारा घोटाला यूनिवर्सिटी में हमारे NSUI के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथियों को यूनिवर्सिटी में प्रवेश उनका बंद कर दिया हुआ है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और आगे आने वाले समय में हमारा 23 तारीख को जो अभी युवा कांग्रेस की राजीव गांधी युवा सम्मेलन हमने मंडी में रखा है, जिसमें हम सब युवा साथी एकत्रित होंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम वहां से करेंगे। और हम युवा साथियों के साथ मिलकर आने वाले समय में जो हमारे उपचुनाव है हिमाचल प्रदेश में, जो 4 उपचुनाव है जिसमें एक मंडी पार्लियामेंट में सांसद का चुनाव है, उसमें सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और हमने ये 4 चुनाव जीतने हैं और हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि हमने अर्पित करनी है, जिसके लिए हम सब तैयार हैं। बाकी बहुत से मुद्दे हैं, उनको लेकर भी हम समय समय पर आप लोगों के माध्यम से जनता तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रामपुर बुशहर से अतुल कश्यप की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।